अस्सलाम वालेकुम जी, मामा की मेहंदी। हाँ जी, हम लोग घर आ गए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हम लोग भी सब खैरियत से हैं। आप देख रहे होंगे कि शबनम कहाँ बैठी हैं। शबनम बैठी हैं भैया राजपूत के घर, छोटी सिस्टर येरी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई? मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर ले। हाँ बिल्कुल करें भाई, बोलो तुम भाई, इनको जरूर करें सपोर्ट, जो जो देख रहा है, क्योंकि देखें इनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मेरा माई नहीं है देखने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ओके, खैरियत से? आप भाई आज अल्फा का रोजा, समोसे खाएंगे। आज है अल्फा का रोजा और चांद रात भी है, सबको पता है। तो सब मेहंदी शर्दी लगाने आए हैं यहाँ पर। चांद रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और एडवांस में जो देखने वाले हैं उन सबको दिली मुबारकबाद। और मेरी बच्ची रुखसार, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। तुम मुझे सुबह मैसेज में दे रही थी कि मामा कल आपकी ईद होगी। मैंने कहा हाँ, कह रही आपको अभी से ईद मुबारक। तो खैर मुबारक, तुम्हें भी इंग्लिश आ रही है, अच्छी सी ईद बनाना। तुम खाना इतनी इंग्लिश आ रही है। हाँ साहब, ईद मुबारक। तुम्हारी ईद कब है? यहाँ सऊदीया में तो हो गई आज। हाँ हाँ, अब तुम्हारी कब है? बिल्कुल ऐसा ही है, एक दिन के बाद होती है। जरूर तुम तैयार जरूर होना। अच्छा, वीडियो पिक्चर्स वगैरह भेजना ताकि हम लोग को देख ही देखे ना। ये सब यहाँ देखते हैं, तुम्हें देख क्या पहना वो सारा कुछ दिखाना। बिल्कुल, मैं कैमरे के पीछे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा था कि मैं चांद रात पे जो आखिरी काम बचता है वो मेहंदी लगाती हूँ। और मेहंदी किससे लगाती हूँ? इंजू से। तो मैं इंजू के पास आ गई थी। मेरी बच्ची मेरी मेहंदी लेने भी गई है बेचारी, क्योंकि मुझे मिली नहीं थी। तो वो अब आएगी तो मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथों में। वो दिखाएगी लगा करके कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। नहीं, उसने पहले भी बहुत अच्छी लगाई थी मेहंदी, सबने पसंद की थी। बहुत दिल से लगाती है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी इधर आपका खाने पीना खत्म नहीं हो रहा क्या? तुम भी जरा हमारी वीडियो में जरा वो दिखा दो जरा थोड़े बहुत। हाँ ये इरम की अदाएं मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। ना रश हो रहा है वाटर पंप पे, ना रश हो रहा है पैर रखने की जगह, लोग ऐसे गिर रहे हैं एक एक के ऊपर। या अल्लाह, देखो हम लोग कैसे बक्से कर ली, बक्से कर ली। वाह, हकीकत में हमने भी कर ली थी, या जान का रह गया था बस। थोड़ा बहुत रह जाता है। हाँ भाई, तो आप देख रहे हैं आज माशाल्लाह माई खाला के घर पे लगी हुई है। आज तुम्हें याद है इसकी चालिया? तुम्हें याद है माम, पहले ईद पे भी हम लोग राजपूत के ही घर थे हम लोग। तू बहुत बड़ी मानी उसमें भी थे हम लोग। चांद रात आप लोगों को वीडियो देख के याद आएगा, हम लोग सब रोजा यही अफ्तार रहे थे। और आज भी ये वही बंसर है। आज भी ऐसा लग रहा है वही दिन है ना, वैसे ही आ गया, वैसे ना वापस आ गया, बिल्कुल वही लग रहा है सारा। कितनी जल्दी जा रहे हैं ये बिल्ला, कितनी जल्दी जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, तो आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि आगे हमारे साथ आप वीडियो में मेहंदी लगाता हुआ देखेंगे आप इंजील को, और लगवाएंगी मैडम। तुम भूल जाती हो। अब हमारे साथ हैं हमारे जो आज रौनक लगी हुई है वो आप लोग भी हमारे साथ देख। हाँ, और भाई हम मिलते नहीं है लेकिन भाई दिल में सब है, दिल मोहब्बतें सब है। ये मत समझे कि हम लोग लड़ भिड़ के बैठ गए। देखने वालों देख लो, हम लड़े हुए नहीं है, हम आ गए। अरे भाई, जिंदगी में मसरूफियात इतनी चल रही है। बहुत मसरूफ चल रही थी ये आप जानते हैं डॉली, हम लोग तो कितने मसरूफ थे। हाँ तो ये तो इधर बाजार उधर बाजार, ये बाजार वो बाजार, ये चल रहा था। मैंने कहा तो फरी जाती नहीं है, और आज तो लगातार तीन दिन से व्लॉग आ रहे हैं सिर्फ बाजार सिर्फ बाजार बाजार बाजार। सबका ही यही चल रहा है क्योंकि ईद है ना, तो ईद बहुत मसरूफ कर देती है इंसान को। नहीं हमें वो भी तो मिल गया, मटन मिल गया और क्या।
ऐसा ही है तो बहाना होता है ये मूवी बनाने का। सही बात है, जाना है जब इंतजार ले वही ने इंतजार जाना है मुझे भी इरम वहाँ जाना है। ये चीज अभी नहीं रुक जाओ, अभी तो बहुत इम्तियाज में भी बहुत रश है। हाँ, पता है। नहीं लेकिन आज इतना नहीं था। इम्तियाज में तो नॉर्मली होता है, तो आज के दिन तो लोग पता नहीं सारा शान के डब्बे तो ये वो तो खैर हमें लेना नहीं था कुछ। हाँ, हम ले चुके ना। हाँ हम लोग ने तो सब ग्रोसरी वगैरह कर। सरिया एक्स्ट्रा मोटी हो रही है आप खुश हो तुम है ना? आप खुश हो तुम? I don't mind. I am मोटी। ये रायान आगे का बेटा वो तो आता ही नहीं है वीडियो में। नहीं नहीं मैं हमारे बेटे भी नहीं आते, पता नहीं इतनी शर्मीले हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं कह रही थी ना किसी ये देख रहे हैं हमें रेखा से मिलाया जा रहा है। बोलिए बोलिए भाई। डॉली सम्राज है ना, तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रही थी ना मुझसे। अच्छा मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खानदानी लोग हैं, हम सब खाने बहुत अच्छे बनाते। ये तो है कोई शक नहीं इसमें, मैंने बहुत अच्छा खाने बनाते हैं कोई शक नहीं। हाँ वैसे मेरी कुकिंग तो बहुत सब पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। बिरयानी कितनी बनाई है लोगों ने तो भाई बहुत ही तारीफ की। कमेंट्स तो देख ही रही हो तो मेरे, माशाल्लाह से इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे तो बहुत ही अच्छे। अभी मैंने पुलाव खाया था ना तुम्हारा, बहुत जबरदस्त। क्या कह रही है? तुम्हारे घर आई थी जो तुमने पुलाव दिया है ना खाने को, लाजवाब पुलाव था। सुन रहे हैं बस मजा आ गया, देख ले हम लोग खानदानी लोग हैं। हाँ खानदानी लोग हैं, खानदानी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हाथों में जायका है, ये बात तो है। हाँ सही बात, हमारी अम्मा के हाथ में भी था। हाँ मम्मी के तो, मम्मी की तो खैर पार्टी और बहुत अच्छा बनाती थी। उसके बाद मुझे डॉली का खाना पसंद है जो। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगी मेरा खाना बहनों में सबसे अच्छा कौन पकाता है? तेरा। ये चीज तुमने नेचुरल बोली है तुमने, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। ये चीजें है ना अच्छी लगती है। हाँ। जैसे इरम हमारी बात है, मैं तो कहती हूँ भाई मैं अपने थोड़ी मीठे बोलूंगी तो बात तुम्हारी खाने की वो हो ही नहीं रखती। ये तो बाजी भी बोलती इरम बड़ी बहन नहीं। ये देखे जी मामा की मेहंदी, मामा सोबर सी लगवा रही है, वो ये लगवा भी नहीं रही थी, ये हमारी छोटी खाला ने जबरदस्ती लगवाई है। पीछे लग गई भाई चांद रात पटाखे भी फूट रहे हैं भाई यहाँ पे तो। बहुत बहुत मुबारक हो पया, तो बहुत पटाखे फूट रहे हैं बहुत। ये हमारी इंजू जो इतनी मेहनत करती है, मेरी मुन्ना। हाय इंजू। हाय। हाय। और ये इंजू की फ्रेंड है छोटी सी माशू सी। या माई इरम खाला बैठी हुई है छोटी सी। मुनाफे का दौर चल रहा है तो भूज खाया नहीं उस बिरयानी में, मैंगो जूस पिए जा रहा है, मैंगो खाए जा रहे हैं इसलिए सब मोटे हो रहे हैं। कसम से मैं भी इतना कंट्रोल करती हूँ फिर भी मोटी। देख लो क्या कह रही, मैंगो छोड़ी, मैंगो नहीं छोड़ सकती मैं, मैंगो और मैं मीठा नहीं छोड़ सकती। वैसे देख ले मैं कौन क्या क्या नहीं छोड़ सकता मामा, आज तो सारे फ्रूट क्या नहीं छोड़ सकती तुम बताओ। इससे मोबाइल ये वो नहीं छोड़ सकती, फिर छालिया है तो है लेकिन सिंगर नहीं खाती खाना, अब नहीं खाती, पहले तो बहुत खाती थी। नहीं खाती मैं कसम से, पूछे काशिफ लेकर आते हैं ना उसमें से वन बाइट टू बाइट बस। हाँ जी हम लोग घर आ गए थे। जी हाँ मरी के पास से, अब ये जा रही हैं अपने घर, इनका घर ससुराल जा रही हैं, यहीं रहते हैं इनके ससुराल वाले, ये जा रही हैं। मैंने कहा भाई एंड तो करवा दो व्लॉग जाने से पहले एंड करवा दो, तो कह रही अच्छा मामा चले एंड करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग में साथ थी तो अच्छा नहीं लगता, तो एंड में ये तो होना था इनको। हाँ जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत, बहुत दिली ईद मुबारक। हाँ। अल्लाह सबको खुशियां देखना नसीब करे, आमीन। सब खुश रहे और जिसका थोड़ा बहुत दुख है वो थोड़ा सा दुख भुला के थोड़ी खुशियों में
जो है वो ईद की शामिल हो जाए, क्योंकि दुख भी जो है ना वो एक लाइफ के साथ चलता है। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, खुद भी आगे बढ़े और खुश रहे। कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल करें, बिल्कुल ऐसी इसी तरह चलती रहती है। तो सब लोग अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। तो दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी, शबनम सोहेल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah.